Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 18th of July 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, hum discuss karenge previous day ke basis par kuch questions. So, sabse pehle hum chalte hain ki who can introduce a money bill in the Parliament of India. Yesterday hum baat kar rahe the बजट के रिगार्डिंग में और एक्चुअली मनी बिल के रिगार्डिंग में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी एक बेंच बनाने जा रहा है कि मनी बिल का रूट जो गवर्नमेंट्स लेती हैं किसी बिल को पास करवाने के लिए जिससे कि वो राज्यसभा से बच सके, तो उसको लेकर के हमने उस सेशन में डिस्कस किया था. सो नाउ हु कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सो इट इज ओनली अ मिनिस्टर. सो मनी बिल को ओनली कोई मिनिस्टर ही प्रेजेंट कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है, और वो भी ओनली लोकसभा में. अनदर क्वेश्चन, विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू इनिशिएट एंड पास अ मनी बिल. सो एक्चुअली दिस इज द लोकसभा, दिस इज द हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ द पीपल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, पावरफुल है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए और उसको पास करने के लिए. तो मनी बिल की रिगार्डिंग में राज्यसभा के पास में एज सच बहुत पावर्स नहीं है. व्हाट हैपेंस इफ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न अ बिल विद इन 14 डेज. अब इफ तो ऐसे केस में जो राज्यसभा अगर 14 डेज तक उस बिल को रिटर्न नहीं करती है, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज पास्ड बाय बोथ हाउसेस. सो दिस इज द आंसर. व्हाट इज द राज्यसभा रोल इन द पासेज ऑफ अ मनी बिल. सो इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस which the Lok Sabha may accept or reject. So, जो राज्यसभा है वो केवल रिकमेंड कर सकती है और उसके जो रिकमेंडेशन है, सजेशन है, उसको लोकसभा एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है. सो दिस इज द आंसर. अनदर क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंट ईयर्स में और अभी भी काफी न्यूज में है, चर्चा में रहता है काफी टाइम से. और अभी भोजशाला एक प्लेस है मध्य प्रदेश में जिसको लेकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक डिस्प्यूटेड प्लेस पर अपना सर्वे करके बताया कि यहाँ पर जो एक मस्जिद और मॉस्क, मस्जिद और मीन्स मॉस्क और टेम्पल के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में कुछ इश्यूज थे, डिस्प्यूट थे, तो उसमें उन्होंने सर्वे करके बताया कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर बाद में मस्जिद बनाई गई या उसमें ऊपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया जिसमें कि उसके पिलर्स पर, उसकी दीवारों पर बहुत सारे गॉड्स के जो है पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, इन और बहुत सारे ऐसे उनको एविडेंसेस वहां पर मिले जब उन्होंने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अपनी की. सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे सर अलेक्जेंडर कनिंगम. नेक्स्ट, वेयर इज द हेड ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड. तो इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, तिलक रोड पर. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एक्सकवेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यस. मेंटेनेंस ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यस. कंडक्टिंग अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, यस. कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमेन एरिया ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट्स वाई द आंसर इज डी. विच ईयर वॉज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था 1861 में और इसके पीछे उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल था. सो ये तो हो गई क्वेश्चंस. अब हम चलते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स पर जो कि इंपॉर्टेंट है. कर्नाटका गवर्नमेंट कर्नाटका असेंबली में एक बिल लेकर के आई थी और उसमें उनका कंसर्न था कि लोकल पीपल के लिए एक रिजर्वेशन का सिस्टम रखा जाए और उस रिजर्वेशन में ये रखना चाह रहे थे कि जो मैनेजमेंट की पोजीशंस होंगी उसमें 50% और नॉन मैनेजमेंट की जो पोजीशंस होंगी उसमें 70% का रिजर्वेशन होगा. मीन्स मैनेजमेंट वाली पोजीशन में 50% पीपल कर्नाटका के ही होंगे, नॉन मैनेजमेंट पोजीशन में जो लोअर लेवल की जो पोजीशंस होती हैं उसमें 70% पीपल कर्नाटका के होंगे. अब मींस लोकल पीपल होंगे. अब ये केवल गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये बात यहाँ पर हो रही है अबाउट द प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट कंपनीज, कि वहां पर भी ये रिजर्वेशन वो लेकर के आना चाहते हैं. अब देखो इश्यू क्या था इसमें.
कि अगर 50% मैनेजमेंट वाला जो हायर पोजीशंस होंगी उसमें ओनली कर्नाटका के पीपल होंगे, तो इसमें इट मींस जो 50% पोजीशंस हैं उसमें जो आउट ऑफ कर्नाटका के लोग होंगे वो तो फिर जॉब नहीं कर पाएंगे, उनको तो जॉब नहीं दे सकते। प्लस ऐसे ही 70% पोजीशंस इनको कर्नाटका के लोगों के लिए रख ली होंगी, इट मींस बाहर के जो लोग हैं कर्नाटका के बाहर के वो ओनली 30% पीपल कैन हैव द जॉब्स इन दैट कैटेगरी। अब देखो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि हु इज लोकल, हु इज कन्नड और हु इज नॉट अ लोकल, उसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा का लोकल कैंडिडेट इज अ पर्सन, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, हु इज बॉर्न इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसका जन्म कर्नाटका में हो, और हु इज डोमिसाइल्ड इन स्टेट फॉर अ 15 ईयर्स, और जो लास्ट 15 ईयर से कर्नाटका में रह रहा हो, वहां का रेजिडेंट हो, और हु इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग कन्नड इन लेजिबल वे, और जो कन्नड को रीड कर सकता है, स्पीक कर सकता है, राइट कर सकता है एक अच्छी लेजिबल वे में, हैज पास्ड द रिक्वायर्ड टेस्ट कंडक्टेड, और इस सब के लिए गवर्नमेंट एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगी, उस टेस्ट को आपको पास करना होगा तब आपको वो कन्नड पीपल वाला रिजर्वेशन में आपको काउंट किया जाएगा। प्लस उसमें एक कंट्रोवर्सी और इन्होंने ऐसा पॉइंट रखा कि सपोज करो कि कंपनी को 50% नौ जो मैनेजमेंट वाली पोजीशन है उसके लिए लोग नहीं मिल रहे, तो क्या कंपनी बाहर के लोगों को हायर कर लेगी? नहीं, उसके लिए क्या करेगा कि कंपनी नेक्स्ट 3 ईयर्स में लोगों को कन्नड़ सिखाएगी, उनको प्रिपेयर करेगी, ट्रेनिंग कराएगी, फिर उन पोजीशंस के लिए लोगों को हायर करेगी। ठीक वैसे ही ये जो 70% पोजीशंस हैं कि अगर कंपनी को 70% पीपल लोकल नहीं मिल रहे जो कन्नड़ बोलना आता हो, उनको स्पीक करना आता हो, रीडिंग राइटिंग ये सब आता हो, तो फिर कंपनी और ये सब मिलकर के क्या करेंगे, उनको इसके लिए ट्रेनिंग देंगे और ये काम उनको विद इन 3 ईयर्स कंप्लीट करना होगा। कुल मिलाकर की बात ये हो गई कि जो कर्नाटक गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि बाहर का कोई भी पर्सन आउट ऑफ कर्नाटका के जो लोग हैं वो मींस यहां पर नहीं आए, वो वर्क नहीं करें। अब आप सोचिए कि नॉन मैनेजमेंट पोजीशन में अगर कर्नाटका में कहीं जाकर के किसी को 30,000 की सैलरी मिलती है तो क्या कोई आदमी यहां से इतनी दूर से वहां जाकर के 30,000 में अपने आप को सस्टेन कर पाएगा लोअर पोजीशंस पर? ये अच्छा, अब इसके इम्पैक्ट हमको देखने को कहां मिलते हैं, इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं कि अगर कर्नाटका ऐसा बिल लाता है वैसा ही बिल हरियाणा लेकर के आ जाए, वैसा ही बिल दिल्ली लेकर के आए, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, बाकी सारे स्टेट्स ऐसे ही बिल लेकर के आ जाएं, तो जो हम बात करते हैं कि इंडिया एक है, इंडिया इज अ वन नेशन, तो उसके जो हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है, जो कंट्री की यूनिटी है, वो कितनी बुरी तरह से कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाएगी। इट मीन्स कर्नाटक के लोग यूपी नहीं आएंगे, यूपी के लोग कर्नाटक नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र के लोग बिहार नहीं जाएंगे, बिहार के लोग महाराष्ट्र नहीं आएंगे, सो देश में जो यूनिटी है वो बहुत ही नेगेटिवली इससे इम्पैक्ट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर पहले ही कुछ अपने डिसीजंस वगैरह दे चुका है, लेकिन कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने केवल वोट बैंक को खुश करने के लिए देश की जो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है उसको भी साइडलाइन करके कोई भी बिल लेकर के आ जाते हैं। अब अगर ऐसा सारे के सारे स्टेट्स करना स्टार्ट कर दें तो जो आर्टिकल 19 हमको राइट देता है दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल हैव द राइट टू मूव, टू सेटल, टू प्रोफेस, टू हैव अ लिवलीहुड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, सो ये तो उसके अगेंस्ट में हो गया ना। सो ये एक इश्यू है, अभी हालांकि इस बिल को हॉल्ट पर रख दिया गया है। बाकी मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ऐसे बिल लेकर के आने चाहिए गवर्नमेंट्स को कि आने वाले टाइम में फिर ऐसा सोसाइटी में ही डिवीजन क्रिएट हो जाएगा कि लोग फिर अपने आप को एज ए इंडियन देखने की बजाय वो देखेंगे कि आई एम बिहारी, आई एम उत्तर प्रदेश वाला, आई एम कन्नड़, आई एम मलयालम, ये इस तरीके से अगर लोग सोचेंगे तो जो कंट्री की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, दिल्ली गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड अनऑथराइज्ड फेलिंग ऑफ ट्रीज आउटसाइड
रिज एरिया। देखो ये केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट के पास में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने डीडीए के थ्रू जो बहुत सारे पेड़ कटवाए थे और वो अराउंड 422 ट्रीज थे, बड़े बड़े ट्रीज, तो रोड के वाइड उसको वाइड करने के लिए इलीगली उन ट्रीज को कट कर दिया गया। और अभी तक तो इस बात की इंक्वायरी चल रही है, ऑर्डर किसने दिया था, किसके ऑर्डर पर ये ट्रीज को कट किया गया था, परमिशन कहां से ली गई थी, डीडीए को परमिशन कहां से मिली, गवर्नर ऑफिस से मिली, गवर्नर के सेक्रेटरी से मिली, कौन वो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था जो जिसने ट्रीज को कट किया। सो अभी तो इस बात की इंक्वायरी चली, तो आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर इवन जबकि ये ट्रीज कट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था काफी टाइम पहले कि कोई भी ट्री कट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट इंटरवेंशन हो वहां पर भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आपस में मिल करके कितने कितने बड़े कांड कर जाते हैं, घोटाले कर जाते हैं, कितने सारे लूप होल्स का यूज कर जाते हैं। तो अभी तो गवर्नमेंट का सिस्टम ये ढूंढने में लगा हुआ है कि एक्चुअल में किसने परमिशन दी, किसने कट किया, कौन जो है कॉन्ट्रैक्टर था, और जबकि अराउंड 422 जो ट्रीज हैं उनको तो कट कर ही दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सबको एक एक करके बुलाया है, बोला आओ और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, तब वहां से जाकर पता चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, बेंगलुरु मॉल फेसेस प्रोटेस्ट आफ्टर फार्मर इन धोती डिनाइड एंट्री। इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए अराउंड 75 ईयर्स हो चुके हैं, अभी भी कई जगह पर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि जो लोकल मॉल्स हैं वो अपने आपको इंडिया का ना समझ करके वो सोचने लगते हैं कि हम तो न्यूयॉर्क के मॉल हैं, हम तो न्यूयॉर्क के पिक्चर हॉल हैं, हम तो लंदन के जो है बियर बार है, या हमारा होटल तो जैसे कि लंदन में है वो इंडिया में है ही नहीं। फिर से एक ऐसी सिचुएशन हुई, देखो ऐसी एक सिचुएशन काफी टाइम पहले हाईकोर्ट के एक जज के साथ हुई, उन्होंने बताया नहीं था कि मैं जज हूँ हाई कोर्ट का, और वो जज साहब जो है साउथ इंडिया के थे और ऐसे ही किसी मॉल में उसमें जा रहे थे, तो वहां की सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोक दिया, बोला आप धोती पहन करके नहीं जा सकते, उनको रोक दिया। फिर उन पर, वो तो जज थे तो उन्होंने एक्शन ले लिया। अब रिसेंटली क्या हुआ है, एक फकीरप्पा नाम के एक पर्सन थे, बेंगलुरु फार्मर थे, वो कहीं रूरल एरिया से आए थे और अपने बेटे के साथ में जा रहे थे उस मॉल में एंट्री के लिए, तो उनको रोक दिया, बोला आप धोती पहन करके नहीं जा सकते हो। सो एक कितना बड़ा इशू है कि सोसाइटी में, इंडिया की सोसाइटी के अंदर इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को अपनी ड्रेस पर शर्मसार होना पड़ता है, उनको शेम फील करवाया जाता है कि आप धोती पहन करके आए हो तो आप एजुकेटेड नहीं हो। एक आईएएस ऑफिसर थे, वो भी साउथ इंडिया के थे, तो वो अपनी धोती पहन करके, जिसको हम जो है लुंगी बोल देते हैं, उसको पहन करके वो एक होटल में गए तो उनको रोक दिया गया। ऐसी मूवीज में आपने देखा होगा। सो यहां से ये जो इशू है, भले ही आपके एग्जाम के लिए उतना एकदम न दिखे, लेकिन हमारा जो कंट्री है उसमें किस कदर, किस लेवल तक जो वेस्टर्न कल्चर है वो डोमिनेंस में आ चुका है कि अपने ही देश के अंदर आप अपनी पसंद की जो सदियों से जिस ड्रेसेस को लोग पहनते चले आ रहे हैं, अब उनको पहन करके आपको मॉल में, पिक्चर हॉल में, बार में, ठीक है, बड़े बड़े जो होटल्स हैं उनमें जाने से रोक दिया जाता है। ये हमारी जो मेंटेलिटी है, ये सो कॉल्ड जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनको ये लगने लगता है कि आदमी पैंट शर्ट पहनने से, कोट पैंट पहनने से बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाता है, जबकि जो धोती कुर्ता पहन रहा है इंडिया का ही कोई पर्सन वो अनएजुकेटेड है। वो आपने देखा होगा, एक आईएएस ऑफिसर थे और वो कोविड के टाइम पे बंगाल की एक पार्टी थी, तो उन लोगों को वो बोल रहे थे ब्लडी ब्लेजर्स, है ना, तो गांव के लोगों को। इस सिचुएशन से हम पता नहीं कब बाहर निकल के आ पाएंगे कि अपने कल्चर पर, अपने वैल्यूज पर हमको जो है प्राउड फील होगा कि हाँ क्या दिक्कत है इसमें। हमको इन चीजों से पता नहीं हम कब जो है ऊंचे उठ पाएंगे। नेक्स्ट है फिर हमारे पास में, पोल विक्ट्री एंड गुड इमेज डू नॉट अब्सॉल्व पीपल ऑफ क्राइम्स। एक केस था और काफी पुराना केस था, अराउंड 2007 का केस था। अब इसमें हुआ क्या था कि जो लोकल कोर्ट था, हाई कोर्ट था, फिर उस पर भी जो है लोकल कोर्ट की बात इसमें थी,
एक पर्सन थे, उन पर डबल मर्डर का केस चला और बाद में फिर वो एमएलए जो है इलेक्ट हो गए। अब उन पर उनके केस को इसलिए दबाए रखा गया उसकी, और उन्होंने ये मान लिया जो है लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, कि क्योंकि इनको जनता ने इलेक्ट कर दिया है, इतनी बड़ी वोट्स इनको मिली है, तो इसका मतलब जनता में इनकी अच्छी इमेज है और इन पर लोगों का ट्रस्ट है, सो इसलिए इनकी ट्रायल वगैरह को उन्होंने रोक दिया था और जो उनके और भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी इन्होंने उस समय जो है स्टॉप कर दिया था। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि किसी पर्सन को यदि बहुत सारे वोट मिल जाते हैं, वो इलेक्ट हो जाता है एमएलए एमपी या कुछ भी, इसका मतलब ये नहीं कि उसको लीगल प्रोसीडिंग्स में, प्रोसिक्यूशन में उसको कुछ राहत मिल जाएगी, बोला लीगल प्रोसीडिंग्स में उसको हम एज ए कॉमन मैन ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक अनदर डायरेक्शन में चले जाएंगे कि जो स्पेशल पीपल हैं उनकी वोट के बेसिस पर वो अपने आप को इनोसेंट भी मान लेंगे कि मेरे को तो 20 लाख वोट मिली है तो मेरे तो सब इलेक्टेड जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हूँ, सो मेरे पर तो क्राइम, मैं तो कर ही नहीं सकता क्राइम, नो, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड बी चेंज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास में, ये एक छोटी सी न्यूज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया में जो पैरामिलिट्री फोर्स है दैट इज सीआरपीएफ, उनका डॉग स्क्वाड से इस बार एक टीम का सिलेक्शन हुआ है और अभी होने वाले जो ओलंपिक्स हैं पेरिस में, उनमें हमारे यहाँ से भी कई सारी टीम्स जा रही हैं वहाँ की सिक्योरिटी के लिए, सो किसका, सीआरपीएफ का डॉग स्क्वाड इसमें सिलेक्ट हुआ है, कोई अगर वन टाइप जो है वन लाइन टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो। फिर हमारे पास में, स्टेट्स कैन नॉट टिंकर विद द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब की जो लिस्ट प्रिपेयर होती है आर्टिकल 341 में, और वो केवल डोमेन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो डोमेन है इंडियन पार्लियामेंट का, तो उसमें कोई भी चेंजेज, उसमें कुछ अपडेशन, अपनी मर्जी से किसी कास्ट को उसमें से डिलीट कर देना या उसमें ऐड कर देना, ये काम स्टेट गवर्नमेंट्स का, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज का नहीं है, ये डोमेन है किसका, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ रिकमेंडेशंस दे सकती हैं, बट अल्टीमेटली ये इंडिया की पार्लियामेंट का ही डोमेन है, तो इसमें ऐसा काम हुआ था कि अपनी मर्जी से कुछ ट्राइब्स बता करके उनको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में एड कर दिया गया था पॉलिटिकल मोटिव से, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी एकदम क्लियर कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा, जो पार्लियामेंट की पावर है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी ये सब नहीं होगा कि स्टेट की गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी भी एक कास्ट को, कास्ट के अंदर सब कास्ट को, एक कम्युनिटी को, एक रेस को, अपने कंसर्न पर, अपने जो है बेनिफिट्स के बेसिस पर उस लिस्ट में ऐड कर दें। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फॉर द डे एंड वी आर गोइंग टू समराइज दिस सेशन फॉर टुडे and we have hope that we will meet again in the another session, so tab tak ke liye bye bye, take care.